तो इसलिए बस इस बार छुट्टी कमलनाथ और नकुलनाथ की छुट्टी, कलकत्ता वापसी। मन में मोदी और घर घर मोदी, सब मोदी लहरे पूरे छिंदवाड़ा जिला में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सभी इस बार पूर्ण रूप से भाजपा को जिताएंगे, सब जनता ने मन मना ली है। कांग्रेस कुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से। इस बार स्थिति खराब है कमलनाथ जी की, वो खुद का पार्टी चेंज कर ले, कोई भरोसा नहीं उनका भी। 44 साल नहीं, अब 44 दिन बचे उनके लिए बोरिया बस्तर बनने के लिए। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी चील गाड़ी से आते हैं, किसानों के बीच में कभी आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद जो है यहाँ पर देश भर का रुख जो है वो अभी हम देख रहे हैं चुनाव को लेकर के। इसी बीच इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो है मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा। जी हाँ, वही छिंदवाड़ा जहां 2019 के नतीजे आपको बता दें तो 28 सीटों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी, लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ बताया जाता रहा है। और वहां से जो है कमलनाथ यानी छिंदवाड़ा जहां इस समय मैं मौजूद हूँ, अमरवाड़ा यहाँ की विधानसभा में मौजूद हूँ, यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को जीत प्राप्त हुई थी और इस बार फिर से नकुलनाथ जो है वो चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है, जो हाल ही में विधानसभा चुनावों में भी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था कमलनाथ के सामने। आइए, अमरवाड़ा में मैं मौजूद हूं, यहां की जनता से बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्या लग रहा है इस बार, क्या फिर से वो जो लेगेसी बनी हुई है कमलनाथ के परिवार की 44 साल से, क्या वो बरकरार रहेगी या फिर कुछ बदलाव, कुछ टकराव इस बार देखने को मिलेगा। आइए, अमरवाड़ा की जनता जो है वो हमारे साथ मौजूद है, आसपास के गांव की जनता हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सर रामगोपाल विश्वकर्मा। रामगोपाल जी, क्या माहौल इस बार छिंदवाड़ा? देश की नजरें हैं केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश की नजरें इस छिंदवाड़ा सीट पर। यहाँ पर मोदी जी के मन में मोदी और घर घर मोदी, सब मोदी लहरे पूरे छिंदवाड़ा जिला में। इस बार हमारे बंटी भैया नकुलनाथ जी से बिल्कुल जीत दर्ज करेंगे। और ऐसा होने वाला है क्या, बंटी भैया जीतने वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी लहर, मोदी जी, मोदी जी की गारंटी में वोट देंगे हम। मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को। जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आगे ना, नाम बताइए आप। देवीलाल पटेल, यहीं के रहने वाले जी। अच्छा, आप बताइए, आप बहुत अभी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस कहती है गड़ा है हमारा। सर ऐसा भी क्या, मोदी जी का नाम जो चल रहा है, मोदी घर घर मोदी, जय श्री राम मोदी, हर हर मोदी, तो ये छिंदवाड़ा में भी इतिहास बदलेंगे? हाँ बदलेंगे इस बार 100%। जी जी, लेकिन नकुलनाथ को उतारा गया फिर से? कोई दिक्कत नहीं है, कलकत्ता जाएंगे इस बार नकुलनाथ। हाँ बिल्कुल, वापिस कलकत्ता में क्या रखा है? बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। कलकत्ता के हैं वो, कलकत्ता से आके हाँ गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। तो इसलिए बस इस बार छुट्टी कमलनाथ और नकुलनाथ की छुट्टी, कलकत्ता वापसी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप बताइए आपका क्या नाम है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, विनोद साहू नाम है। अच्छा, विनोद साहू जी। कमलनाथ जी भी तो बीच में हम देख रहे थे, वो करवा रहे थे ना, सब कथाएं करवा रहे थे सब कुछ। वो तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कथा करवा रहे थे, उसके पहले कहाँ गए थे कथा करवाने के लिए? 35 साल से कथा करवाए क्या उनने? नहीं करवाए, राजनीतिक स्वार्थ जोड़ा था, कथा करवा रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ तो कथा। आपका क्या नाम हुआ? नीलेश साहू। नीलेश जी, आप बताइए क्या माहौल? माहौल अच्छा है, इस बार लोकसभा चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले बार नत्थन साजी मात्र 37,000 वोट से हारे थे और एक आदिवासी नेतृत्व था और मोदी जी की लहर थी, फिर भी अभी हमको सिर्फ 15 से 17,000 वोटों की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह चौहान जी की, उनकी जो योजना है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों की सम्मान निधि योजना, पूरी योजनाओं का लाभ उनको मिला है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा की जनता मन बना चुकी है कि इस बार कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है और नकुलनाथ जी अपने घर बैठने वाले हैं और युवाओं का साथ बंटी साहू के साथ हैं और हम सब एक हैं भारतीय जनता। ये कह रहे हैं कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर जो है वो यहाँ बंद होने वाला है, लेकिन 44 साल से उन्हीं का परिवार जीता आ रहा है यहाँ पर। इस बार नहीं चलेगा उनका परिवार, परिवार का परिवार नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। 44 साल नहीं, अब 44 दिन बचे उनके लिए बोरिया बस्तर बनने के लिए, केवल 44 दिन बस। अच्छा, और अब मोदी जी का है पूरा प्रभाव यहाँ पर, अभी तो बयानबाजी शुरू हो गई है, राहुल गांधी कह रहे थे कि शक्ति के खिलाफ हैं, फिर मोदी ने वहाँ से हुंकार बड़ी भरी जो है शक्ति को लेकर के। मोदी जी के नाम पे वोट डल रही है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे बस, उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अंकित साहू, यहीं के रहने वाले जी। आप बताइए, कांग्रेस तो कहती है ये तो गढ़ है हमारा पूरा। हाँ कहती है, 40 साल 50 साल से वो राज भी कर रही है छिंदवाड़ा जिले में, पर
इस बार 40-50 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी की गारंटी देखो, आज मोदी जी ने क्या क्या किया। घर घर पानी है, बिजली है, नल है, और पूरे मकाने बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि बन रही है, लाडली योजना है, 1 रुपए किलो में दाना मिल रहा है। हम तो मोदी जी की गारंटी में माननीय हमारे श्री बंटी साहू जी को वोट देंगे और दिलाएंगे। बंटी साहू जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, और बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। अच्छा, और वैसे यहाँ जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना है, वो पहुंची है लोगों तक? पूरी योजनाएं चल रही है हमारे मोदी सरकार की, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाएं, और हमको लाभ भी मिल रहा है। लाभ मिल रहा है यहाँ लोगों को? किस 1 रुपए किलो का दाना मिल रहा है। अच्छा। हमारी मिसेस को 1,000 रुपए, 1,250 रुपए महीने का लाडली बहने का योजना का लाभ मिल रहा है। और बाकी आवास योजना हमारी बिल्कुल मिला हमको, आवास योजना में उन्हीं के मकान में हम रह रहे हैं, उन्हीं ने जो बनवाया है मोदी जी ने। आपको भी मकान मिला? जी बिल्कुल, पक्का मकान। तो पहले कैसा मकान था? पहले कच्चा मकान था। कच्चा मकान था। यहाँ और भी मतलब गांव में सब जगह पहुंची हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास हुए हैं। यानी कि बेशक कांग्रेस का गढ़ रहा हो, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ छिंदवाड़ा में मिला है। प्रधानमंत्री आवास के अमरवाड़ा नगर में? अच्छा, इस अमरवाड़ा? हाँ, अमरवाड़ा नगर में, और नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ भाजपा का है, और सभी इस बार पूर्ण रूप से भाजपा को जिताएंगे, सब जनता ने मन मना ली है। और भी युवा भी हैं कुछ हमारे साथ। हाँ भाई, आपका क्या नाम हुआ? चरणदास वर्मा, यहीं के रहने वाले हैं जी। चरणदास जी, क्या लग रहा है माहौल, क्या है इस बार? इस बार तो बंटी भैया जीतेंगे 100%, मोदी जी की। कमलनाथ जी का गढ़ है पूरा? नहीं है, था, अब नहीं है। पहले था गढ़, अब क्या होगा फिर? बंटी भैया जी जी। तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी कहाँ जाएंगे फिर? घर जाएंगे उनके, वापस घर जाएंगे। हाँ, व्यापार करेंगे वो अपना, व्यापार करेंगे। बहुत बड़े बिजनेस मैन है वो तो। अच्छा, बिजनेस कर लेंगे। सांसद भी तो है? हाँ, तो सांसद है ना, वोट लेने के लिए बस आते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, पता नहीं चलता। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार मध्य प्रदेश में? 29 की 29। हाँ, 29 की 29। 28 थी, एक सीट नहीं आई थी। हाँ, इस बार 29 सीट। इस बार हाँ, टॉप छिंदवाड़ा इस बार। टॉप छिंदवाड़ा जी। कमलनाथ जी तो कह रहे थे 12-14 सीटें हम ले जाएंगे इस बार। कांग्रेस कुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से इस बार जी। कांग्रेस के जिस टाइप से कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में विधानसभा में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस बच रही है क्या? कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिल रहा है कांग्रेस के पास। कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा भी होगा मुक्त। कांग्रेस मुक्त। आपका क्या नाम हुआ? मेरा गोविंद बघेल, यहीं के रहने वाले, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। आप बताइए, कमलनाथ जी के गढ़ में क्या हो रहा है इस बार? स्थिति खराब है कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी स्थिति खराब है? बंटी 40 साल हो गए यहाँ पर, तो लगातार जीत ये पैसे देके, दारू देकर पैसे जीतता तो। वो खुद का पार्टी चेंज कर ले, कोई भरोसा नहीं उनका भी। का पार्टी चेंज कर ले? हाँ, वो खुद बीजेपी में आ सकते हैं, उनका भी कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी में आने को देख रहा हूँ, उनका दीन ईमान नहीं बचा, वो तो भी बीजेपी में आने को हो रहे हैं। बीजेपी नहीं लेना चाह रही ना, बस वही तो नहीं चाहिए, ऐसे दंगे पे है वो। 29 सीटें भाजपा की झोली में जाने वाली है, लिख के रख लीजिए आप, रख लो 29 सीटें। देश भर में 400 पार तो होना ही है, वो तो नारा है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार मोदी जी की गारंटी में, हर हर मोदी जी की गारंटी में वोट मिलेगी। जय जय बिल्कुल, जय श्री राम। जय जय राम को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे। जय श्री राम। राउत कह रहे थे कल, ये महाराष्ट्र बॉर्डर तो लगता है, वो कह रहे थे 300 सीटें INDIA विपक्ष ले जाएगा इस बार। वो तो कहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता। संजय राउत खुद ही हार रहा है, संजय राउत देगी उसका, जनता जवाब देगी उसका। 400 पार, हसीन सपने हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। कुछ नहीं है इसके अलावा, जुमलेबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं रखा है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मोदी है तो मुमकिन है, छिंदवाड़ा में भी। छिंदवाड़ा में क्या, पूरा देश पूरे देश में मोदी है, अब बस मोदी का नाम ही चलेगा। छिंदवाड़ा में भी? छिंदवाड़ा में भी अभी कमलनाथ नकुलनाथ सीधे कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में क्या है, सब कह रहे हैं कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में उनका बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। हाँ, अब बिजनेस करेंगे बस। बिजनेस करेंगे। हाँ, तो लोगों के बीच नहीं रहेंगे। बताइए, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी चील गाड़ी से आते हैं, हम आम आदमी को चील गाड़ी के बारे में समझता ही नहीं है। किसानों के बीच में कभी आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। आज ओलावृष्टि हुई है हमारे जो छोटाई छुई गांव में, वहाँ का भी। हाँ हाँ, अभी जाएंगे वो बोलेंगे क्या करेंगे जाके। ठीक ठीक ठीक, तो ये आपने सुनी यहाँ जनता की राय। बंटी भैया को बोलेंगे तो एक फोन लगाएंगे, बंटी भैया अब भी आ जाएंगे वो गांव में। कोई भी किसान फोन लगाता है तुरंत खड़े हो जाते हैं बंटी भैया।
बंटी भैया, लेकिन जब वीआईपी लोगों से बात नहीं कर सकते, कमलनाथ जी जैसे लोगों से बात नहीं कर सकते, बंटी भैया हमारे आम पब्लिक के बीच में आते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक, तो ये आपने सुनी यहाँ पर जनता की राय, छिंदवाड़ा की जनता की राय। यहाँ पर अमरवाड़ा में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो लोगों ने अपनी राय रखी। कमलनाथ के गढ़ से जो है वो यहाँ पर हुंकार भरी गई है। और आपको बता दे, सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो धरातल पर काम करते थे वो धीरे धीरे जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग यही छिंदवाड़ा की सीट है और पूरे देश भर की नजरें इस बार इसी सीट पर यहाँ पर है। अब आपकी जो भी राय हो इस पूरी चर्चा से, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।